भारत का अभी हमारे नीति आयोग की बैठक है, उस नीति आयोग की बैठक के लिए भी हम लोगों ने तय किया है कि हम राज्य की आवश्यकता अनुरूप वहां पर अपने राज्य की जो जरूरत है उस जरूरत को रखेंगे, जो हमारी भारत सरकार से अपेक्षा है उस अपेक्षा को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि क्या है कि भारतवर्ष के लिए योजनाएं बनती हैं। बहुत सारा हमारा यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम प्रकार की, जहां हमारे पास उधम सिंह नगर, हरिद्वार पूरी तरह से जो मैदान दो मैदानी जिले हैं, वहीं देहरादून का कुछ क्षेत्र, वहीं नैनीताल का कुछ क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र मानता है, बाकी शेष 9 जिले हमारे पूरे पर्वतीय। तो यहाँ का जो विकास का एक मैप होना है, जो मैप बनना है, वो मैप यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप बनना है। अभी हमने सारे विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की और सभी विभागाध्यक्षों से हमने उनके सुझाव लिए, तो मैंने कहा कि एक जिला चंपावत है और चंपावत जिला हमारे पूरे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जैसे बनबसा और टनकपुर और आगे बस्तियां तक का क्षेत्र, वो एक तरह से कहिए तराई भी है, मैदान भी है, भावर भी है, गर्म जलवायु का भी है। हम उससे थोड़ा और आगे चले जाएंगे, चलती पड़ेगा, बड़ी पड़ेगा, फिर चंपावत आ जाएगा, वो कुछ ठंडा होने लगता है पर्वतीय क्षेत्र। आप तो बड़े बुद्धिजीवी हो, जरा देख लीजिएगा इसमें। तो फिर हम थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो पूरा का पूरा क्षेत्र पूरा जो है वहां पर ठंड, अधिक ठंड वाला क्षेत्र। तो आप उत्तराखंड को भी हम ले लें तो उत्तराखंड में भी ऐसे ही है, मैदान भी है, पहाड़ भी है, तराई और भावर भी है। तो उसके अनुरूप हम कैसे पूरे, अगर एक जिले के लिए हम योजना बनाएंगे, शायद बड़ी दिक्कत की आप लोग आए थे, आप सोचते नहीं उसमें, तो कई बार लोग सोच रहे थे कि कहीं मुख्यमंत्री जी चंपावत विधानसभा से चुनाव में जीते हैं, वहां से उनका क्षेत्र हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं इसने चंपावत को आदर्श बनाना चाहते हैं। मन में विचार आया होगा, मैं कह नहीं रहा हूं नहीं आया होगा, तो मैंने कहा, मैंने उसे भी स्पष्ट किया था कि हमने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया, वहां हम फल भी उगा सकते हैं, वहां सेब की खेती की बहुत ज्यादा हमारी संभावना है, कीवी की संभावना है, चाय की वहां ऑलरेडी पहले से चल रही है चाय की खेती, मौत पालन के क्षेत्र में अभी मौत पालन योजना वहां शुरू हुई है, सब्जी के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, तमाम चीजें वहां पर पहले से हो रही है। तो इस प्रकार से हम उत्तराखंड को पूरे उसको आदर्श रूप में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी पूरी तरह से, मुझे तो पहले शंका थी कि जब ये कृषि मंत्री के रूप में चार्ज ग्रहण कर रहे थे, ये फौजी आदमी है, इनको कहीं और विभाग हमने ज्यादा तो नहीं दे दिए थे, लेकिन कड़ी मेहनत उन्होंने कर ली आपने, तो मैं कह सकता हूँ आप कि इन्होंने काफ़ी सीखा है और आप लोगों की टीम हमारे प्रवेजन कभी कहते हैं आपको रणनीति भी आ गए, पहले से तो हमारे पहले से जो है भले ही सेक्रेटरी नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी ये हर विभाग की चिंता करते हैं, सचिव मुख्यमंत्री के नाते भी और वैसे भी यूपी प्रदेश की जितनी हमारी बड़ी बैठकें देश के अंदर होती हैं उन बैठकों में जाते हैं। अब हमें लगता है कि हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होना चाहिए, इसके लिए जो इस प्रकार की चीजें हैं जहाँ हम निर्यात की चीजें कर रहे हैं, मार्केट देने का काम कर रहे हैं, तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है जब कोई विभाग अपना अच्छा काम करता है, मुख्यमंत्री होने के नाते सब विभागों की जो भी रिप्रेजेंटेशन है बड़ी बैठकों में वहां करनी होती है, और जब विभाग का रिजल्ट अच्छा आता है, वहां से अच्छे प्रस्तुतिकरण आते हैं, अच्छे उनके परिणाम आते हैं, तो वहां थोड़ा मनोबल बढ़ता है। इसलिए हमने सभी विभागों से कहा है कि 2025 जो हमारे राज्य की स्थापना दिवस का 25वां स्थापना दिवस होगा, रजत जयंती वर्ष होगा, उस रजत जयंती वर्ष में हमारा कृषि विभाग, हमारा उद्यान विभाग,
हमारा सिंचाई विभाग, ये सारे विभाग मिलकर ऐसी कार्य योजना बनाए कि हम कहें कि भाई अपने अपने विभाग में, हमारे कृषि विभाग ने, हमारे उद्यान विभाग ने ये सबसे अच्छा काम किया है, जो हम केवल यही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए मॉडल के रूप में काम करें और कम से कम भारतवर्ष के रूप में न भी करें तो हिमालय राज्यों के लिए एक हमारा मॉडल होगा, जो 11 राज्य हमारे हिमालय राज्य हैं उन राज्यों के लिए कि हमने अपने उत्तराखंड में ऐसा करा है। आज हम कई दिनों में हिमाचल का उदाहरण देते हैं तो आने वाले समय में वो हमारे राज्य का उदाहरण, और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। अभी धीरे धीरे एप्पल मिशन में हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से हमारा काम हो रहा है। तो मैं आपके अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देते हुए कि एक नई पहल आपने शुरू की है। पिछले दिनों यूरोप को हमारा निर्यात करने के क्षेत्रों में मंडवा है, झिंगोरा है, राजमा है, भैत है, इसमें भी हमने बड़ा निर्यात किया और आगे भी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। हमने कहा है कि जो हमारे जो मोटा अनाज है उस मोटे अनाज के हम अलग से भी व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार की तरफ से मिलेट के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, अलग से हमने बजट का भी इस बार प्रावधान किया है। तो कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रोत्साहन की नीति है, उसी आधार पर जैसे उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है, हम जल्दी निकट भविष्य में अपने किसानों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से फिर उस किसान प्रोत्साहन एक योजना यहाँ पर भी हम लाने वाले हैं, जो किसानों के प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि राशि बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। ये केवल इसलिए होता है कि हम प्रोत्साहन करें जिससे कि उस क्षेत्र में वो जितना काम कर रहे हैं उससे और आगे उनके अंदर प्रोत्साहन हो, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो, एक उत्साह का संचार हो। तो उसके लिए हम लोग जल्दी ये योजना भी शुरू करने वाले हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव हमारे किसान भाइयों का, हमारे कृषि विभाग का, हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग का सबका बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हमारा जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, देश की आज़ादी में उस संघर्ष में उन्होंने भाग लिया है, अपने को लगाने का काम किया है, कुछ लोग सामने आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, उन सभी को स्मरण करने का और हमारी भावी पीढ़ी को एक विरासत सौंपने का भी ये समय है कि हम उनके स्मरण में भी लाएं कि देश की आज़ादी का इतना बड़ा आंदोलन चला है। तो हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार के आह्वान पर हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों ने तय किया है कि 20 लाख परिवारों को झंडे से आच्छादित करना है, हर घर में झंडा लगना है। तो उस दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। तो अभी प्रभात मीडिया निकाली जाएगी, हर किसी ने अपने अपने डीपी पर तिरंगा लगा दिया है, कुछ लोग इसको भी राजनीतिक कार्यक्रम करा दे रहे हैं। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और कुछ लोगों का काम है केवल विरोध के लिए विरोध करना। यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में और उनके संकल्प में, संकल्प से लेकर सिद्धि तक, देश की आज़ादी से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ। इन 8 सालों में लगातार किसानों के लिए कितनी सारी योजनाएं बन गई, कितने सारे सारे नए प्रकल्प शुरू हो रहे हैं और जो भी काम शुरू हो रहा है वो काम केवल उन लोगों के लिए हो रहा है जो निर्णय है, जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकताएं और योजनाएं उनके लिए बन रही है, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं, जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं, अंत्योदय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए काम हो रहा है। तो इसी कड़ी में आज ये निर्यात का कार्यक्रम, मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत हुई है, आने वाले वर्षों में इसमें कई मात्रा में गुणात्मक रूप से इसमें वृद्धि होगी। मैं पुनः आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, आपके इस आशीर्वचन ने हम लोगों को ऊर्जा से भर दिया है, हम ऊर्जा से ओत प्रोत हैं। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि सर, 30 तारीख को जो बैठक चंपावत की थी,
परम आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।